जी नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कोटियन है और मैं हूं टीम चैंपियन से। और मैं आज आया हूं एक रेगुलर क्वेश्चन जो बार बार मेरे पास आया है, तो मैं सोचा एक वीडियो बनाऊं। काफ़ी टाइम हो गया मुझे भी वीडियो बना के, तो मैं सोचा था पार्ट बाय पार्ट कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो उसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगा ताकि लोगों को क्लियर होगा। क्वेश्चन पहला आप जानिए, क्वेश्चन ये होता है कि सर मैं सिस्टम में तो हूँ, मेरे को यकीन भी है सिस्टम में और मुझे पूरा विश्वास भी है, लेकिन मैं जब भी किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी लेके जाता हूँ और उनको बताता हूँ तो वो बोलते हैं कि बॉस आपके पास कुछ पैसा आया क्या, आप थोड़ा सा कमा लो, आपका लॉन्चिंग हो जाने दो, बाद में हम ज्वाइन करेंगे, भले अभी आप सिर्फ $98 डालना है, बाद में उसका डबल भी डालना पड़ा तो चलेगा, लेकिन हम बाद में ज्वाइन करेंगे। जी हाँ, ऐसा आंसर आने वालों को आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं उसको बोलेगा डेफिनेटली आप बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज अभी तो फाउंडर्स बन रहे, बाद में आप एक्चुअली कस्टमर बन के फिर रीसेलर बनेगा तो वो आपको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन फाउंडर्स का एडवांटेज क्या है। फाउंडर्स का एक्चुअल एडवांटेज ये है कि आपने देखा है कि कंपनी जब सोच से छोटी सी बनी थी और वो इतना बड़ा हो गया है, और वो इतना बड़ा होने के बाद इतने सारे फाउंडर्स आए, और इतने सारे मतलब वो 0.1% फाउंडर्स मतलब लोग सिस्टम में आए, लेकिन वो 800,000 के पार है। जी हाँ, बहुत ही कम परसेंटेज है, लेकिन जितने भी है उसका एडवांटेज मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। पहली बात तो आपको फर्स्ट एडवांटेज ये है कि जब onpassive.com का वेबसाइट आएगा उसमें ओ फाउंडर्स का एक अलग टैब होगा जहाँ पर आप डायरेक्ट जा सकते हैं और आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है बहुत सारा चीज़ जो नॉर्मल रीसेलर को नहीं मिलेगा, और आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात, अगर अपना सीईओ मिस्टर ऐश मोफरा सर मीटिंग लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट वो मीटिंग में आपको एक्सेस मिलेगा, इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड मिलेगा, ये सारा कुछ और जो भी सीईओ चाहते हैं वो फैसिलिटी फाउंडर्स को ही मिलेगा, बिकॉज सारा कुछ सभी लोगों को नहीं दे सकता है, तो फाउंडर्स एडवांटेज डेफिनेटली है। लेकिन इतना मैं यकीन रखता हूँ खुद पे भी, क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट पे भरोसा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी लोगों को शेयरिंग करो, ये चीज़ बेचने को मत जाओ, किसी को कन्विंस मत करो या मत बोलो कि बॉस आप ज्वाइन हो जाओ ज्वाइन हो जाओ। मैंने आज तक ये काम नहीं किया, मैं कन्विंस हो गया तो मैं सोचा कि मैं $100 का रिस्क ले सकता और मैं सिस्टम में आया, और देखते देखते एक साल में इतना बड़ा ग्रोथ, एक छोटा सा ऑफिस से अभी पूरा बिल्डिंग का बिल्डिंग और अभी इंटरनेशनल ऑफिसेस, ये ग्रोथ नहीं तो और क्या है। डेफिनेटली फाउंडर्स का और भी एडवांटेज है, स्पेशल टैब है, ये सब तो है ही, लेकिन टेक्निकली मैं आपको बताऊंगा कि अभी फाउंडर बनने से आपका सुपर एडवांटेज क्या है। जी हाँ, ये बात एकदम सच है कि आप फाउंडर्स हो और आपको जो सिस्टम है वो सिस्टम में जो इनकम आएगा वो भी जब ही फाउंडर बनने के बंद हो जाएगा उसके बाद लॉन्च होगा, और लॉन्च में जो लोग आएंगे वो कस्टमर बनने के बाद जब रीसेलर बनेगा उनको भी वही एडवांटेज मिलेगा। लेकिन आपको मैंने जो बाकी सब एडवांटेज बनाया उससे सबसे उससे भी अच्छा और बड़ा एडवांटेज क्या है कि आप ये प्लान में जितने जूने होते जाओगे, इसमें आईडी का रीबर्थ है, वो सिस्टम भी सर हमको बताए थे, अगर हमारा रीबर्थ होता है, एक पोजीशन का 3 पोजीशन हो गया और 3 पोजीशन का फिर 9 पोजीशन हो गया, मतलब वो आदमी जो पीछे से आया है, हमारे बाद आया है, हमारे सिस्टम के नीचे आया है, तो उसका डेफिनेटली जब उसका 3 होगा तो आपका शायद 12 होगा या 15 पोजीशन होगा, और उसका जब 9 होगा तो शायद आपका 60 होगा, मतलब आप रेस में हमेशा आगे होगे। उसके ऊपर इतना बड़ा कॉन्सेप्ट और इतना बड़ा आईटी कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनी का फाउंडर कहलाएंगे आप, तो सुपर एडवांटेज तो होगा ही होगा, आप मॉनिटरली भी रेस में आगे होगे, आप ज़्यादा लोगों को मदद कर सकेगा, आपका पूरा सिस्टम भी बड़ा होगा और बहुत सारा इंफॉर्मेशन में, फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग को बुलाया जाएगा या कुछ भी जो भी अवार्ड होता है या फंक्शन होता है उसमें फाउंडर्स लोग को प्रायोरिटी दिया जाएगा, क्योंकि फाउंडर्स के वजह से ही ये सिस्टम को जोर मिला, पुश मिला, और डेफिनेटली सब साइड से एडवांटेज होगा। लेकिन जो लोग, मैं हाथ जोड़ता हूँ, जो लोगों को विश्वास नहीं है और जो लोगों को लगता है कि बॉस यहाँ पर अभी मुझे विश्वास नहीं और सिस्टम में नहीं आने का, कभी भी फोर्स मत करना। मेरे आंखों के सामने मैं जब स्टार्ट किया था बहुत सारे लीडर्स लोग ने बोला था कि ये सिस्टम नहीं है भाई, 3 महीने में चला जाएगा, भाग जाएगा। मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, मेरे को ऐसा लगता है
कि ये सिस्टम ठीक है और ये सिस्टम में जो मिस्टर ऐश मुफरशर है उसका नियत क्लियर लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सिस्टम में आना चाहिए और मैंने वही किया। मैंने आज तक एक आदमी को ना कन्विंस किया ना फोर्स किया, मैंने सिर्फ ये बताया कि ये सिस्टम है, ये सिचुएशन है और ये सारा चीज़ हुआ है और मैं जब जुड़ा था तभी ऐसा है और अभी ये सारा कुछ हुआ है। मतलब हमारे पास अभी प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स है, अपने खुद का कंपनी है, इंडिया में 5 माले का ऑफिस है, वहाँ पर प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट बनती है और अभी ऑफिसेज मेनली इन दुबई, सिंगापुर ये सब खुलने की बात हो रही है। ये ग्रोथ मेरे आंखों के सामने हुआ है। तो बेसिकली किसी को कन्विंस करने मत जाओ और आप रेस में हमेशा आगे होगे बिकॉज यू आर अ फाउंडर। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं आपको बोलूंगा क्योंकि एक फाउंडर कभी भी जितना भी जूना होते जाएगा बिकॉज ये प्लान और सिस्टम ऐसा बनाया है। आप रेस में भले कितना भी बड़ा लीडर अंदर सिस्टम में आए बाद में आएगा तो वो आपको पार नहीं कर पाएगा बिकॉज आप 100 मील आगे चले। डेफिनेटली उनको भी एडवांटेज मिलेगा, आम आदमी को भी एडवांटेज मिलेगा, लेकिन एज अ फाउंडर यू विल हैव अ सुपर डुपर एडवांटेज। थैंक यू। ऑन पैसिव की गतिविधियां और विकास समाचार हम यही समाप्त करते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे, मैं ऐसा ही कुछ एक सिंगल क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको लेके आऊंगा और फिर आपके सामने मुझे जो जानकारी है वैसे आंसर में रखूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, वी आर इन इट टू विन इट।